प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे में शराब की ब्रांडिंग, कांग्रेस चुनाव प्रभारी ने लिखा निर्वाचन आयोग को पत्र। दो दिन रोड शो करेंगे नकुल कमलनाथ, तीन दिन कमलनाथ, पांच दिन रहेंगे नकुलनाथ। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और कांग्रेस महापौर पद के प्रत्याशी विक्रम आहाके ने किया विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क, जनता से लिया आशीर्वाद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला प्रशासन के द्वारा शराब की करीब 250 ब्रांड की एक लिस्ट प्रत्याशियों के खर्चे की मार्गदर्शिका में आने से प्रदेश में हल्ला मच गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। नगर निगम के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है। इसके लिए अलग अलग दरें भी निर्धारित होती है कि प्रत्याशी कहाँ पर कितना खर्च करेगा। इसी मार्गदर्शिका में जिला प्रशासन के द्वारा शराब की करीब 250 ब्रांड की एक लिस्ट सौंपी गई है, जिसमें देशी विदेशी शराब की किस्में हैं और कितने कीमत है ये भी दर्शाया गया है। इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने लग गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत करते हुए छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त माधु सिंह भयाड़िया पर कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से शराब की सूची और उसके दर उपलब्ध कराने का मतलब है कि प्रत्याशी मतदाताओं को शराब पिला सकता है और उसका खर्च शामिल कर सकता है। इससे आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है और शराब बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि अधिकारी पर कार्रवाई के साथ ही इस आदेश को तुरंत निरस्त करना चाहिए, क्योंकि ये नैतिकता के साथ साथ संवैधानिक रूप से भी गलत है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार खुद प्रोत्साहित कर रही है कि दारू और शराब पिलाएंगे तो खर्चे में जोड़ा जाएगा। इसका आशय यह है कि ये शराब पीने की छूट दे रहे हैं। हमारे प्रदेश से हमारे धनोपिया जो शिकायत निर्वाचन आयोग से की है, मैं मांग करना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग से, कि यह हमारे छिंदवाड़ा के लिए दुर्भाग्य की बात है। छिंदवाड़ा जिला शांतिपूर्ण जिला है और शराब को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने और पूरी कांग्रेस ने हमें इसका विरोध करी है। मैं चाहूँगा कि इसका हम भरपूर मात्रा में विरोध करते हैं और इस गलती को सुधार करने के लिए कहते हैं कि यह छिंदवाड़ा में नहीं चलने वाला है। वहीं इस मामले में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन का कहना है कि आबकारी विभाग की त्रुटिवश ऐसा हुआ है। जिला निर्वाचन के द्वारा आबकारी विभाग से जानकारी मांगी गई थी कि यदि किसी प्रत्याशी पर शराब के अवैध परिवहन और अवैध वितरण के मामले में केस बनेगा तो किस दर से उस पर जुर्माना होगा, ये प्रपत्र मांगा गया था। एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी संक्षिप्त जाँच की गयी। इसमें ये पाया गया कि जो इंटरनल कम्युनिकेशन है एक्साइज डिपार्टमेंट और जिला निर्वाचन कार्यालय के मध्य, जो कार्यालयीन प्रयोजन के लिए था, उसकी प्रति लिपिकीय त्रुटि से कुछ अभ्यर्थियों तक चली गई है। उसका कोई उपयोग उस अभ्यर्थी के लिए नहीं है। अमूमन ये दरें मंगाई जाती हैं कार्रवाइयों के लिए कि जब कार्रवाई होगी तो उसका मूल्यांकन किस दर से किया जाएगा, उसी के लिए है। और उस पत्र को यदि देखा जाए तो उसमें कहीं भी किसी अभ्यर्थी को कोई एंडोर्समेंट नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का आगामी तिथि में छिंदवाड़ा आगमन होने जा रहा है। अपने पूर्व निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ नगर और जिले में आयोजित विविध कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। सांसद कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलनाथ का 1 जुलाई को छिंदवाड़ा आगमन होगा और सांसद नकुलनाथ 29 जून को छिंदवाड़ा आएंगे। बुधवारी बाजार क्षेत्र के पास नगरपालिक निगम मार्केट में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दुकान संचालक संजय परसवानी ने बताया कि उनकी जय झूलेलाल पूजन सामग्री की शॉप है। आज सुबह लगभग 9 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा 4 लाख का माल और फर्नीचर जलकर खाक हो गया। इस आग से नजदीकी सैलून दुकान में भी क्षति हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। तब तक दुकान में रखा सामान पूरी जलकर खाक हो चुका था। मेरी दुकान में आग लगी है। कितने बजे लगी? ये लगभग 8 बजे के आसपास ही लगी होगी। 9 बजे। और बाजू वाले में भी सैलून है, उसकी भी दुकान जल गई। लगभग लगभग कितने का नुकसान हुआ? 3-4 करीब का होगा। सुबह 9:45 बजे करीब यहाँ आग लग गई। 3.5-4 लाख का नुकसान हो गया। फर्नीचर अलग। कैसे आग लगी?
भैया कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, 90% शॉर्ट सर्किट है। और मेरी सैलून की दुकान है जो बाजू में अगरबत्ती की दुकान थी, तो उसके कारण मेरे भी दुकान में आग लग गई। और सुबह 8:45 बजे मेरे को फोन आया कि आपकी दुकान में आग लग गई, बाकी कैसे क्या लगी मालूम नहीं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सीएम हेल्पलाइन सहित निर्वाचन कार्य के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत सीईओ हरिंद्र नारायण सहित सभी विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम आहाके ने नगर के वार्ड क्रमांक 3 और 35 में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान विक्रम के साथ कांग्रेस नेता जय सक्सेना सहित अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता साथ रहे। अपने जनसंपर्क के दौरान विक्रम को नगर के वार्डों से बड़े बुजुर्गों से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिक निगम चुनाव में महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए आगामी 6 जुलाई को मतदान होना है। निर्वाचन कार्य में लगे पीठासीन अधिकारियों और मतदान दल को मंगलवार के दिन स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी और EVM मशीन का उपयोग किस तरह करना है, इसकी समझाइश पीठासीन अधिकारियों और मतदान दल को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दी गई। इसमें पीठासीन अधिकारियों को और उनके मतदान दल को EVM मशीन का संचालन किस तरह किया जाना है आगामी निर्वाचन में, इसके बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उनको हैंड्स ऑन करने के लिए कहा जा रहा है कि आप EVM मशीन का संचालन करके देखिए कि कैसे CU को BU1 से जोड़ेंगे, फिर BU2 को BU1 से जोड़ेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि महापौर पद के प्रत्याशी के लिए BU1 में सफ़ेद रंग का मतपत्र लगेगा और पार्षद के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र लगेगा, और किस तरह से वो आपस में जुड़ेंगे और मॉक पोल करने की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि 6 तारीख को जब ये निर्वाचन संपन्न होगा छिंदवाड़ा के 48 वार्डों के 225 मतदान केंद्रों में, तो सुबह 6 बजे जो मतदान अभिकर्ता आएंगे उनके समक्ष मॉक पोल किया जाना है, तो मॉक पोल करने की प्रक्रिया भी पीठासीन अधिकारियों को और मतदान अधिकारियों को बताई जा रही है।
हरे कृष्ण केंद्र इस्कॉन के द्वारा 1 जुलाई शुक्रवार को स्थानीय गांधीगंज से भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सुबह मंगल आरती, दर्शन आरती के बाद भगवान जगन्नाथ कथा और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी आगमन के बाद विशाल रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये रथ यात्रा गांधीगंज से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, फव्वारा चौक, अनगढ़ हनुमान मंदिर होते हुए पूजा लॉन तक जाएगी, जिसके बाद महाआरती और महाप्रसाद का वितरण होगा। हरे कृष्ण केंद्र इस्कॉन ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है। इस्कॉन छिंदवाड़ा द्वारा 1 जुलाई भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की भव्य रथ यात्रा हो रहा है। तो ये भव्य रथ यात्रा गांधीगंज में दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे। गांधीगंज से बस स्टैंड, फरा चौक, अनगर हनुमान मंदिर होके पूजा लॉन तक जाएंगे। ये प्रोग्राम में हम सारे नगरवासी से निवेदन करते हैं कि आप सब लोग आइए, भगवान श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा की रोशनी खेसें और भगवान श्री जगन्नाथ देव की कृपा प्राप्त करें। और सबके लिए शाम को 7 बजे पूजा लॉन में भगवान श्री जगन्नाथ देव की महाआरती, 56 भोग और सबके लिए महाप्रसाद। लालबाग क्षेत्र वार्ड नंबर 14 में भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में बलराम यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। मंगलवार को वार्ड नंबर 14 में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा बलराम यादव के समर्थन में क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया गया। यहां पर जगह जगह भाजपा समर्थकों ने उनका स्वागत किया। बलराम यादव वार्ड के प्रत्येक घरों में पहुंचकर लोगों से अपने समर्थन में आशीर्वाद मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस ने धर्मेंद्र सोनू मागो को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्षद पद के प्रत्याशी सोनू मागो के द्वारा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद दिया जा रहा है। उनके द्वारा जनपद स्कूल के सामने चूना भट्टा, रामबाग, कुलान मोटर सहित वार्ड नंबर 13 के अन्य क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर वार्ड के विकास के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। मंगलवार को पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, जिन्होंने क्षेत्र में सघन जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस पार्षद पद प्रत्याशी सोनू मागो के लिए समर्थन मांगा। वार्ड नंबर 35 में भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति त्रिलोक राउत को अपना पार्षद पद उम्मीदवार बनाया है। ज्योति त्रिलोक राउत के द्वारा महिलाओं की टीम के साथ क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क करते हुए जनता से वार्ड के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है। बीते दिनों भाजपा नेता शेषराव यादव के द्वारा भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी ज्योति त्रिलोक राउत के समर्थन में कुलबहरा वार्ड में जनसंपर्क किया गया। इस मौके पर शिवा सोमकुंवर, शिवराम पाल, अजय सोमकुंवर, रोहित मौर्य, नितिन राउत, सुनील राउत, विनय चौहान, हर्षित ठाकरे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वार्ड नंबर 25 में भाजपा ने विजय पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। भाजपा के पार्षद पद प्रत्याशी विजय पांडे के द्वारा वार्ड में सघन जनसंपर्क करते हुए लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। विजय पांडे का कहना है कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वार्ड का चहुंमुखी विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। जनता के द्वारा हमेशा उन्हें आशीर्वाद दिया गया है। उन्होंने भी अपने वार्ड के विकास कार्य करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जनता के स्नेह और आशीर्वाद से वार्ड का समुचित विकास करना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी। चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन पार्षद का चुनाव जीता जाएगा जनता की सेवा करने के बाद ही, जनता को संतुष्ट करने के बाद ही आम जनता दोबारा रिपीट करेगी किसी को। मेरे को 5-5 बार अवसर दी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस पार्षद पद प्रत्याशी दीपा योगेश सांवले के क्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ उपटे के द्वारा जनसंपर्क किया गया, जहां पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने छिंदवाड़ा शहर और वार्ड के समुचित विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ सहित कांग्रेस टीम को मजबूत करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। उनके द्वारा छिंदवाड़ा विकास मॉडल और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपलब्धियां जनता को बताई जा रही हैं। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ उपटे सहित कांग्रेस प्रत्याशी दीपा योगेश सांवले और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वार्ड क्रमांक 25 में पार्षद की उम्मीदवार हमारी श्रीमती दीपा योगेश सांवले जी और हमारे नगर निगम के महापौर विक्रम महगी जी के चुनाव प्रचार में पूरे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ लगे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि अभी जो वातावरण वार्ड का हमें दिख रहा है, पूरा विश्वास मुझे है कि इस वार्ड की जनता का जो समर्थन मिल रहा है महापौर के लिए और पार्षद के लिए,
तो यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पार्षद जीतेगी दीपा साबले जी और हमारे महापौर भारी मतों से चुनाव जीतकर इस वार्ड से आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।